श्रिंक रैपिंग मशीन और। सो इस मशीन में हम 200 ml, 500 ml, 1 लीटर और 2 लीटर तक की बोतल उसमें पैक कर सकते हैं। जैसे 500 ml है तो 500 ml में 24 का पैकिंग होता है, 200 ml है तो उसमें 48 यानी कि 48 का पैकिंग होता है, 1 लीटर है तो उसमें 12 बोतल का पैकिंग होता है और 2 लीटर में 1 लीटर तक का पैकिंग, 6 बोतल का पैकिंग होता है। अभी जैसे इस मशीन में देख सकते हैं हम, मेनली ये मशीन दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक जो पार्ट होता है उसको हम वेव सीलर बोलते हैं। वेव सीलर का काम क्या है कि जो आपको 12 बोतल, 24 बोतल, 48 बोतल का जो पैकिंग करना है वो आप यहाँ पे सारा अरेंज करो और यहाँ से पुश बटन दबाओगे तो वो आगे जाएगा, यहाँ से सील करेगा। और दूसरा जो पार्ट है यहाँ पे वो है हीटिंग टनल, जिसमें वो आपकी प्रोडक्ट हीटिंग टनल में जाएगी। हीट टनल में जाके वो हीट से श्रिंक होके आपकी फाइनल प्रोडक्ट आपकी बाहर आ जाएगी, यहाँ पे इस साइड आ जाएगी। देख सकते हैं यहाँ पे फैन भी लगा हुआ है, तो जो भी आपकी फाइनल प्रोडक्ट बाहर आएगी तो ये उसको पहले ठंडा करेगा, फिर आपको इसको उठा लेना है। दिवेश जी थोड़ा बताएंगे कि ये मशीन में टोटल कितने रोल माउंट होते हैं? इस मशीन में बेसिकली दो रोल माउंट होते हैं, एक टॉप माउंट है और एक बॉटम माउंट है। सही, अभी टॉप और बॉटम दोनों में से एक एक छेड़ा निकाल के यहाँ पे लाना है, तो वो फिर उसको फिर एक बार हम मैन्युअली वन टाइम हमें सील करना होता है। ये कौन सी फिल्म होती है? ये एलडी फिल्म बोलते हैं इसको, ये जनरली 90 माइक्रोन के आसपास इसकी थिकनेस रहती है। जनरली ये पूरा मशीन हीट के ऊपर वर्क करता है, तो ये जो हीटिंग टनल है उसका टेम्परेचर ऑन एन एवरेज 200 डिग्री तक का टेम्परेचर रहता है। और यहाँ पे ये हॉट बार सीलिंग, हॉट बार सीलर होता है, हॉट बार सीलर का जनरल टेम्परेचर 135 डिग्री के आसपास रहता है। अब हम देखेंगे कि उसमें बॉटल कैसे रखते हैं, जो भी हमारा 12 बॉटल, 24 बॉटल जो पैकिंग होता है वो बॉटल कैसे रखते हैं। तो अभी हमारे पास 1 लीटर की बॉटल है, तो हम उसको 12 बॉटल का पैकिंग कैसे करना है वो आपको हम दिखाएंगे। यहाँ पे एक आपका एक कोई भी एम्प्लॉय रहेगा, वो आपको वन बाय वन 12 बोतल रखेगा। जैसे ही 12 बोतल रख देता है, यहाँ पे आपको साइकिल स्टार्ट का पुश बटन है वो दबाना है, तो अपने आप वो सिलेंडर ओपन होगा, आगे उसको धक्का देगा, फिर ये हॉट बार सीलर नीचे आएगा, इसको सील कर देगा और दो पार्ट में उसको डिवाइड कर देगा। फिर ऐसी सेम साइकिल आपको फिर 12 बोतल रख देनी है। बोतल रखने के बाद आपको फिर से साइकिल स्टार्ट प्रेस करना है, तो पीछे वाली जो बोतल है वो आगे वाली बोतल को धक्का दे देगा और फिर से वही साइकिल हमें रिपीट करना है। अभी जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो बोतल है ये कन्वेयर के ऊपर आ चुके हैं। अभी कन्वेयर की कोई फिक्स स्पीड नहीं है, आप उसको स्पीड वेरी भी कर सकते हैं आपकी हीटिंग साइकिल के हिसाब से, या आपको जैसा प्रॉपर फिनिशिंग चाहिए उस हिसाब से आप कन्वेयर की स्पीड भी प्लस माइनस कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी प्रोडक्ट श्रिंक होने के बाद तैयार होके बाहर आ रही है, और ये जो फैन है वो आपकी जो हीट है उसको प्रॉपर श्रिंक करके उसको ठंडा कर देगा, तो आपकी फाइनल फिनिशिंग तैयार हो जाएगी यहाँ पे। जनरली
कोई भी लेबर है ऐसे उसको ले जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसको आप ऐसे पटक भी देंगे तो भी कुछ होगा नहीं।